दोस्तों ये है हमारा जीरा। तो जब हमने इसकी बुआई की थी तब ठंड ज्यादा नहीं थी, तो ये उगा नहीं था, कम उगा था थोड़ा। और ऊपर से 4-5 दिन से पिछले ये सूखने लगा है जो जीरा है हमारा वो। और हाँ, जो जीरे में आता है जिसको हमारी गुजराती भाषा में सुकारा बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो जीरे के छोड़ होते हैं वो सूखने लगते हैं, तो ये हमारा जीरा भी सूखने लगा है। तो अब ये फसल तो हमारी फेल ही समझो। तो अब इसमें चने या फिर गेहूं लगाने का सोच रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए चने का बीज भी आ गया है और फाइनली हमने आज के आज ही इसमें चने लगाने का फैसला किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा अच्छे से उगा था तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और बाकी तो सामने आप देख सकते हो रोटावेटर चल रहा है और थोड़ी देर में ही रोटावेटर चल जाएगा, तो सीधा चने की बुआई कर देंगे हम उसके बाद। तो वैसे दोस्तों किसानों के साथ तो ऐसा चलता ही रहता है। हमारी जीरे की फसल हो गई है फेल, तो जो हमारा खर्चा आया था खातर बीज वो सब भी गया और अब फिर से ये फसल लगानी पड़ रही है अभी। तो वैसे किसानों के साथ तो ऐसा ही होता है, कभी फसल अच्छी होती है तो कभी कभी ऐसे नुकसान भी उठाना पड़ता है हमें। और यहाँ पर है हमारे धनिया जो कि अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और अब तो इसमें भी थोड़े दिनों में ट्रैक्टर या बेलों से साथ ही चलाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर है हमारी गौरी जो कि चारा खा रही है अभी। और आज तो वेदर भी पूरा चेंज हो चुका है, बादल छा गए हैं पूरे वेदर में और आसमान में पूरा मानसून जैसा माहौल हो गया है हमारे यहाँ। तो देखिए दोस्तों चने की बुआई भी शुरू हो गई है अभी। सुबह तो इसमें जीरे की फसल थी और अब चने की बुआई हो रही है। तो कितना फास्ट जमाना आ रहा है दोस्तों, खेती में भी इतना फास्ट जमाना आ रहा है आजकल। तो अब तो ये चने अच्छे से उग जाए तो अच्छी फसल हो जाए तो अच्छा है, वरना ये जो जीरा तो गया हमारे हाथ से। किसानों के साथ तो दोस्तों ऐसा ऐसा होता ही रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जीरा नहीं हुआ तो क्या चने हो जाएंगे अच्छे से। Thank you.
यहाँ पर इवनिंग के खाने की तैयारी हो रही है और आज इवनिंग के खाने में बन रहा है बाजरे का रोटला और बैंगन का ओरा, जो कि विंटर स्पेशल विलेज फूड है। तो आपको खाना है तो आ जाइए, और हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।